तो गाइज ये आप लोग देख रहे हो ऑल न्यू यामाहा R15, और इसके अंदर जैसे आप वेरिएंट्स देखोगे, ये वर्जन 4 है, इसके अंदर दो वेरिएंट्स आते हैं, मतलब ये वर्जन 4 नहीं, इसके अंदर दो वेरिएंट्स आते हैं। एक तो आता है R15M, जिसके अंदर आप लोगों को दो कलर मिल जाते हैं, एक तो पर्टिकुलर ये कलर है और एक आएगा इसके अंदर सिल्वर कलर, और एक आता है इसका वर्जन 4, R15 का वर्जन 4। उसके अगर मैं आप लोगों को कलर ऑप्शन बताऊँ, रेसिंग ब्लू, डार्क नाइट और मेटेलिक रेड, ये सारे कलर ऑप्शन आते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस जो ये मॉन्स्टर एडिशन है मोटो जीपी का, इस पर्टिकुलर बाइक के बारे में बताने वाला हूँ कि आपको इस R15 जो ये नई बाइक है, इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या चीज़ें मिल जाते हैं, कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो बाइक की सबसे पहले जैसे आप लुक्स देखोगे ना, फ्रंट प्रोफाइल से देख लो, साइड प्रोफाइल से देख लो, या फिर बैक प्रोफाइल से, एक तो कम्प्लीटली चेंज कर दी है, और जो इसकी लुक है भाई काफ़ी ज़्यादा एनहेंस होके आ रही है। अगर जैसे आप लोगों को ये फ्लाई स्क्रीन तो वगैरह पहले मिलती थी, बट जो लुक है भाई अब पूरी चेंज कर दी गई है। इसके अंदर हाई बीम एंड लो बीम दोनों LED हेडलाइट्स मिल जाती हैं, और साइड में DRLs भी अवेलेबल हो जाते हैं LED में ही, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इस बाइक के अंदर आपको USD फोक्स मिलते हैं, USD यानी कि अपसाइड डाउन इसके अंदर फोक्स मिलते हैं, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो R15M जो आएगा या फिर जो इसका मोटो जीपी एडिशन जो कि पर्टिकुलरली ये है, इसी के अंदर आएंगे, जो इसका वर्जन 4 भी वेरिएंट आएगा उसके अंदर भी आप लोगों को USD फोक्स ही अवेलेबल होंगे। इस बाइक के अंदर आपको ड्यूअल चैनल ABS मिल जाता है, यानी कि फ्रंट वाले टायर में भी ABS और जो पीछे वाला टायर है उसके अंदर भी ABS मिल जाता है। जिसके डिस्क ब्रेक हैं वो आप लोगों को बाइब्री के मिलते हैं। अगर टायर सेक्शन की बात की जाए तो 180x17 इंच के ही प्रोवाइड होते हैं, और जैसे इसके अलॉय व्हील में जैसे आप लोग देखोगे तो थोड़ा सा ब्लू ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर इस बाइक के कर्व वेट की बात की जाए तो 142 kg का कर्व वेट मिलता है इसके अंदर, और जो बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस है वो 170mm का मिलता है, और जो बाइक की सीट हाइट है वो 815mm की दे रखी है, और जो बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 11 लीटर की मिलती है, जिसका फ्यूल टैंक है ये ऊपर वाला पार्ट प्लास्टिक में दे रखा है। बाकी जैसे आप बाइक में देखोगे ना, जिसके साइड पैनल्स हैं या फिर इसका फ्रंट मडगार्ड है या पीछे वाला मडगार्ड है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को प्लास्टिक में मिलती है। अभी जैसे आप लोग इसमें देखोगे ना, जो बाइक की एरोडाइनमिकली प्रोफाइल है, मतलब जो एरोडाइनमिकली है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी कर रखी है, तो इस वजह से कैसे आप बाइक को हाई स्पीड में भी चलाओगे तो बाइक जो है बिल्कुल स्टेबल होकर चलेगी। और आप लोगों को इस बाइक के अंदर सेफ्टी में जैसे बात की जाए तो ABS मिल जाता है, और इसमें पीछे वाले टायर में ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल किस तरह वर्क करेगा, जैसे आपकी बाइक मान लो जो रेवोल्यूशन है ना वो कम कर देता है, उस वजह से क्या है थोड़ा सा ट्रैक्शन पकड़ लेते हैं, तो उस वजह से क्या है जो बाइक का टायर है वो स्किड नहीं करता है। अभी जैसे आप ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये दे रखा है क्विक शिफ्टर, और जो क्विक शिफ्टर आएगा ये सिर्फ आपको जो R15 का जो M वेरिएंट आएगा उसके अंदर आएगा, और इसका जो ब्लू कलर है उसके अंदर अवेलेबल होगा। बाकी जो क्विक शिफ्टर है आप लोग जैसे लोग एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करके और वेरिएंट्स में भी ले सकते हो। इसके फायदे क्या है, जैसे आप गियर को अपशिफ्ट करोगे तो मतलब आप बिना बार बार बिना क्लच दबाए के ही आप उसको शिफ्ट कर सकते हो। और इसके अंदर आती है असिस्ट स्लीपर क्लच, जिसके भाई काफ़ी सारे फायदे हैं, आप लोगों को पता ही होगा। एक तो क्या है वो जैसे इंजन की जो ब्रेकिंग होती है, एक्सेसिव इंजन ब्रेकिंग है, उसको रिड्यूस करता है, और जो राइड करते हो आप बाइक को राइड करते हो तो उसका जो क्लच का पुल है उसको वेट को भी कम करता है, और मतलब राइड करने में भी काफ़ी सही लगता है। आपको जो असिस्ट एंड स्लीपर क्लच आती है इसके अंदर, और ये आप लोगों को सभी वेरिएंट के अंदर ही अवेलेबल होगी। इसके अंदर 5-speed कॉन्स्टेंट मैश गेयरबॉक्स अवेलेबल होता है, सिर्फ साइड स्टैंड ही जो है आप लोगों को इस बाइक के अंदर अवेलेबल होगा, जो डबल स्टैंड है वो इस बाइक के अंदर नहीं मिलेगा। अगर इसके पीछे वाले टायर सेक्शन की बात की जाए तो इसके अंदर 140x70x17 इंच का टायर मिलता है, और जो पीछे वाला डिस्क है वो आप लोगों को आगे वाला जो डिस्क ब्रेक है उससे छोटा मिलता है। इसके अंदर आप लोगों को ड्यूअल मतलब दोनों अलग अलग सीटें मिलती हैं। जो सीट है पहले भी ड्यूअल ही आती थी, जो पुरानी वर्जन 3 आता था उसके अंदर फिर यहाँ पे भी मॉन्स्टर एनर्जी की बैजिंग मिलेगी। अभी जैसे ये देखोगे थोड़ा सा एरोडाइनमिकली करने के लिए पूरा ओपन सा दे रखा है। जो बाइक की टेल लाइट है वो LED में मिल जाती है, जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो हैलोजन बल्ब के साथ मिलते हैं, जो नंबर प्लेट की प्लेसमेंट आएगी वो यहाँ पे आएगी, और साइड में रिफ्लेक्टर्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। अभी जैसे इस बाइक का ये वाला पीछे वाला पार्ट जो मडगार्ड जो दे रखा है ये हाफ पार्ट रिमूव कर दोगे तो उसके बाद जो लुक है ना भाई बाइक की काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त आएगी। बाकी ये लगने के बाद भी ऐसे थोड़ा सा प्रोटेक्शन भी हो जाती है, कीचड़ वगैरह में चलती है तो हट भी जाएगा ना, तो भाई और भी ज़्यादा जो लुक है बाइक की काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ जाएगी। अभी इसके अंदर आप लोगों को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से क्या होगा, जैसे आपके मान लो SMS हुआ, मेल हुए, फ़ोन कॉल हुई, तो वो आप लोगों को इसी के अंदर नोटिफिकेशन शो कर देता है। और इस साइड में इसके हैंडल बार पर कंट्रोल्स की बात की जाए तो लाइट का दे रखा है आप लोगों को पास के लिए, हाई बीम लो बीम
इंडिकेटर का और हॉर्न का। इस साइड में आप लोगों को मिलता है इसका किल स्विच और यही सेल्फ स्टार्ट का स्विच का काम करेगा। और ये नीचे देख रहे हो ये इंडिकेटर के लिए दे रखा है। जो बाइक की है आप लोगों को देखने में कुछ इस टाइप की मिलेगी, तो नॉर्मल सी की है बिल्कुल जैसे कि पहले आती थी। और जो स्पीडोमीटर है वो इसका सब कुछ डिजिटली शो करता है इस बाइक के अंदर। तो इस बाइक की कम्फर्ट की बात करते हैं, तो मुझे जैसे इस बाइक के ऊपर मैं बैठा हूँ, पहले तो मैं आपको दिखाई देता हूँ भाई सीधा। तो भाई बैठने में तो देखो ऐसा कुछ मतलब है नहीं कि कंफर्टेबल सा सीन है, मतलब ऐसा है कि भाई बैठ सकते हो, थोड़ा सा तो मतलब अनकंफर्टेबल है क्योंकि एक जो फील है आप लोगों को इस बाइक के अंदर थोड़ी स्पोर्टी टाइप की मिलेगी। और जिसका डीएनए जो R15 की R1 आती है उससे लिया गया है, तो थोड़ी स्पोर्टी फील तो आप लोगों को इस बाइक के अंदर आएगी। और जैसे आप सोच रहे हो ना कि भाई मैं इसको लंबी लंबी राइड पर लेके जाऊँगा, बिल्कुल कम्फर्टेबली ले जा पाऊँगा, तो भाई वो तो आप इतना एक्सपेक्ट करो ही मत, क्योंकि इसके अंदर जो पोजिशन है ना वो थोड़ी सी आपको रेसिंग टाइप वाली मिलेगी। तो इसके इससे क्या होगा, थोड़ी दूर तक तो ठीक रहेगा, फिर उसके बाद जो बैक वगैरह में प्रॉब्लम है ना वो ज़्यादा आएगी। बाकी यार स्पोर्ट जैसे लुक्स ज़्यादा मैटर करती है आजकल, कम्फर्ट से ज़्यादा लोग बाग लुक्स पे ज़्यादा मरते हैं। तो लुक्स तो है ही इस बाइक के अंदर, और ऐसे भी नहीं कि भाई बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल है, कंफर्टेबल भी है ये बाइक आप लोगों के लिए। बट मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि आप इसको लॉन्ग राइड पे लेके जाते हो तब मैंने ऐसा मतलब बोला है। बाकी हैंडल बार पकड़ने का आपका एंगल ये है, थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने में आप लोग जिसकी स्पीड वगैरह देखोगे तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी। बाकी जैसे इसका क्लच वगैरह उसको प्रेस करने में, या फिर जैसे इसका ब्रेक का लीवर है उसको प्रेस करने में, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे बाइक को आप आगे पीछे भी करोगे, जैसे आप देख भी रहे हो रोड थोड़ा ऊबड़ खाबड़ से, तो भी आप बाइक को आगे पीछे करोगे तो उसमें ऐसी कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मेरी हाइट 6 फीट है, जो मेरे पैर हैं फ्लोर को बिल्कुल अच्छी तरीके से टच कर रहे हैं। अभी जैसे मान लो इसको 5-7 का या फिर 5-6 का बंदा चलाएगा तो ऐसा है कि वो चला सकता है, उसको कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो गाइस ठीक है, यही सब कुछ था आज की इस वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। टेक केयर एंड बाय बाय।